हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान और हम रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में हमारी शादी कैसे हुई और कितने साल बाद हुई। ये मां सफदर का कहना है, ये बताएंगे इस वीडियो में। मां सफदर का व्लॉग है लेटेस्ट, तो इसको देखेंगे। हम भी जानना चाहते हैं कैसे हुई और कितने साल बाद हुई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लव मैरिज है ये तो इतना पता ही है एंड पता चलेगा और कुछ इस बारे में। देखते हैं इस वीडियो को, एंजॉय करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तू यहां कैसे आ गई है यार? सॉरी, आज लेट हो गया, मैं आ नहीं सका यार। तो तू डायरेक्ट तैयार हो गया पर आ गई। अबे मेरा प्यारा बनना, इसने आज बोला था कि आज जल्दी आना लेकिन नहीं आ सका क्योंकि मेरा ब्लॉग अभी तक भी नहीं डला। आज अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे और ब्लॉग नहीं डला, यहाँ का नेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इस नेट को हमारे साथ। यहाँ खाया जा रहा है भाई खाना और यहाँ पर लड़ाई हो रही है मासी मम्मा की। मुझे तो बड़ा मजा आता है, लड़ाई के मजे ले रहे हैं बच्चे। टर्पाटस मिंडस बाहर निकल, ये समझ रहे हैं ये बंदे, बोल सकता हूँ मैंने। खुल गया। सो इस व्लॉग पे जल्द से शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। अबे तो मुझे लेने आई थी क्या? चलो घर भाई, अभी न्यू न्यू शादी है तो वही घर का कभी सफाई करनी होती है, कभी सामान रखना होता है, तो इस वजह से मम्मा आ जाती हैं और मम्मा सारा समेटती हैं सबा के साथ। सो अभी फरिया और मैं जा रहे हैं घर और देखते हैं ये लोग कब तक आते हैं। कहाँ हैं बड़े बड़े लोग? अरे बड़े लोग हैं यहाँ बैठे हुए, नाश्ते किए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या हाल है आप लोगों के? अलहमदुलिल्लाह, कैसी आप लोग? बिल्कुल ठीक। यही तो पूछना पड़ेगा क्योंकि अब तो अलग हो गए घर में। कहाँ से अलग हो गए? एक ही घर भाई। नहीं, घर में तो हम लोग साथ रहते थे ना, तो तबियत हमें सबको पता होता था कि किसकी कैसी तबियत है। लेकिन सोने के बाद तो पता होता था तबियत। बस मैं सोने तो गए था, सोने के बाद डायरेक्ट हमारा आ गया। अच्छा, ये तो फुल एक्टर है, बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा। लेकिन मुझे एक चीज़ अब समझ आई है कि तुम नाश्ता कर ले तो भाभी तुम्हें नाश्ता दे देती है, मतलब तुम्हें सुकून से जब तुम उठो मजा आ जाता है ना। ये चीज़ें मतलब ये मुझे लगता है। ऐसे से मिलेगी ना, पहले वो घर में हाथ लगाएगी खीर में, उसके बाद फिर मुझे बना के देगी नाश्ता। नहीं, जरूरी नहीं होता, फिर ऐसे भी हो सकता है सब। वो सिर्फ कहने की बात तो होती है, खीर पे हाथ लगाओ, ये करो, वो करो, अच्छा सब कुछ काम करो। क्या बात है, ये एक्सपीरियंस हमसे 1.5 साल पुराना एक्सपीरियंस है। फटाफट से करते हैं भाई नाश्ता। नाश्ते में है केक और चाय। अबे तू कब आ गया? नाश्ता कर फटाफट, तैयार हो रहे, इसका तो नाश्ता ही नहीं हो रहा। अबे नहीं, आप खाओ। मैंने अभी भी नाश्ता किया मेरा मुन्ना। नहीं नहीं, आप खाओ। आप बैठे हो उधर? हाँ बैठा हूँ। सो भाई सबा भी आ गए भाई, रिलेशन की बात है। ये सबा है और ये माज है, मतलब आई मीन के जो इनको जू नहीं बोलते, जू ZW Zoo, इन्होंने खुद नाम रखा था जू मेरा, मतलब निक नेम जो होता है। मुझे करनी थोड़ी सी बातें, बच्चे भी सुन सकते हैं कोई, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे शादी हो गई तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि न्यू सब्सक्राइबर्स को बतानी लाजमी है। बातें ये हैं कि हमारी शादी पता कैसे हुई है? लॉयल्टी बस इसी बेस पे, मैंने 5 साल से निभाई है इनके साथ। मीन कैसे कि हमारा रिलेशन हो गया था बहुत ही पहले, 5 साल पहले, जो कि इन्होंने मुझे किया था मैसेज। नहीं बताना सब है, नहीं ये बताना सब है, देखो यहाँ पर बताओ यार, सुनना है हमें, जल्दी करो, सब बताना है। मैसेज क्या किया था? हुआ ये था कि मुझे कभी कभी कोई कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखा इसे नहीं बोला जाएगा, ब्लॉगिंग के लिए बोलना लाजमी है और शर्म आ गई, ये सब होना चाहिए, इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताती तो आगे की इनकी भी कहानी सुने ना फिर आप लोग। मैंने इनको मैसेज किया, मतलब इनके दोस्त थे उनको बोला था, तो मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने मुझे डायरेक्ट अपना नंबर सेंड कर दिया, ना हाय ना हेलो कुछ भी नहीं। फिर वहाँ पर मैंने हाय किया तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल कर ली, मतलब इतने वो हैं ये, समझ रहे हो क्या बताऊं मैं। वो वाला सीन है, मतलब कि मैं इनकी आईडी में गया, मुझे ये बहुत पसंद आ गई ना, ठीक है, मतलब एक बार मैंने स्क्रॉल की आईडी, असल में अगर ये मुझे खुद मैसेज कर दिया तो मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद है और वो दोस्त मैं था, उससे पूछा कि मैं इसको नंबर दूँ या मैसेज करूँ, तो उसने बोला नंबर दे दे चल, तो मैंने इनकी डायरेक्ट आईडी पे नंबर दे दिया, फिर वहाँ से डायरेक्ट हमारी कॉल में बात शुरू हो गई। बहुत फास्ट सर्विस थी, और वो 5 साल पहले और आज 5 साल बाद हमारी शादी हो गई।
तो ये लॉयल्टी है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो कुछ नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे रिलेशन को 5 साल हो गए थे और 5 साल का वादा मैंने निभाया आपके साथ। सो थैंक यू सो मच। बस ना बोल के सब कुछ बताओ ना, क्या हो गया और बताओ यार डिटेल में थोड़ा। नहीं मिल सकता वो डॉगी, फरिश्ते नहीं आते मेरे घर में। फरिश्ते नहीं आते सच में, छोटा सा जैसे बेबी डॉगी चाहिए, छोटा सा डॉग वो ला दें, बिल्ला बिल्ला चाहिए इनको, बिल्ली आप सब बता दिए वो तो ये अपने घर पर ही छोड़कर आ गई, लेकर ही नहीं आई मैं से एक भी, सब इसको चाहिए तो बोल रही डॉगी चाहिए मुझे। नहीं नहीं बेबी डॉगी नहीं, डॉगी नहीं ना, नहीं गलत बिल्ली ना, मैं न्यू लाऊंगी, क्या न्यू के लिए कराएंगे छोटी, मेरे पास रखनी चाहिए आगे, अभी ला रहे फिलहाल टाइम बाद लाएंगे कुछ। बिल्ली का जी समझेगा, बिल्ली है लेकिन ये है पर सबा का। टाइम 5:05 हो रहे हैं, हम भी आ गए इतने में, अभी भी क्या क्या रहता है, बाकी सब हो गया, आस पास में कोई घर होगा उसमें शिफ्ट हो गए, झाड़ा था पूरा डस्टिंग और आज जो है पूरा सरफ और साबुन से साफ करा है। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। अच्छा बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि अलग क्यों होगा, ये क्यों होगा, अबे भाई कमरा नहीं है इधर, जब भी तो दूसरा घर लेना पड़ा शादी के लिए। सही, और लोग समझ रहे कि मैं इधर से कुछ चले गया, नहीं भाई इधर कमरा नहीं था इस घर में, तो जब भी चले गए थे इनके लिए कमरा था तो ये यहाँ पर है, नहीं था तो अलग लेना पड़ा, अलग नहीं होगा, इधर से स्टार्ट होगा, इधर से शुरू होगा और यही मेरी पूरी फैमिली है, आप लोग टेंशन ना लें, बस आहिस्ता आहिस्ता बंदा रूटीन में आता है, जब शादी होती है तो थोड़ी सी चेंजिंग आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती और ना आने देंगे। सो या तो भाई मोबाइल में ही लगी है, क्या क्या हो रहा है, उठाओ उठाओ जल्दी 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 उठाओ जल्दी, बताओ क्या ये इंस्टा 1 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, ये सब यही देख के खुश हो जा रही है, मुझे मैं भी वहाँ खाना खा रहा था, मुझे भी बता दिए 1 लाख हो गए। लो पहली बार अकाउंट बनाया ना, खुशी देखो कैसी हो रही है। तो भाई ये ना टिकटॉक से थी, ना ये मेरे पास यूट्यूब से थी, ना ये मेरे पास इंस्टाग्राम से थी, ये टिकटॉकर थे पहले, बस ये कोई रैंडम बंदी थी जो कि हमें मिल गई थी मैसेज करके इंस्टाग्राम पे। सच बता रहा हूँ और क्या। फिर भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये फिर जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने और फरिया को भी साथ लेके जा रहे हैं, पीछे लग गई क्या, कब तक आओगे, बस मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। वो मुझे बोल रही थी कि 2 दिन से हम 3 दिन से घर में ही है, तो मैं तो बस सुकून से रहना चाहता हूँ ना अभी। चलो फिर आज चलते हैं, प्लान बना लो, प्लान कर लेते हैं फिर कुछ। सही है मैं आप और सभा शायद इससे पहले भी आती जाती थी इनके घर पे। अबे तू भी जाएगा, तू भी बहुत नेस्ती पोस्ती बन रहा है, नहीं छोड़ के जाओ इसको, छोड़ के जाए आप तो, छोड़ के जाएंगे इसको, तो जैसे ही पापा आएंगे पापा ही गाड़ी में जाएंगे हम लोग, भैया चले गए अभी अपनी छोटी वाली फरारी के अंदर, सुन पापा और टाइम 8 बज चुके हैं, जल्दी चले जल्दी रेडी हो, तो हम लोग पापा का वेट कर रहे थे और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट बाहर खाना खाने। भाई मेरा तो दिल है ना वो है स्टेक खाने का, आपका क्या मूड है, मेरा भी, का? मेरा भी, तीनों का स्टेक, तो डन हो गया तो चलते हैं स्टेक खाने, जल्दी जल्दी जल्दी। सो मॉम बैठेंगी भाई आगे मेरे साथ, बहन बैठी पीछे और सब बैठिए पीछे, जब भी मम्मा होंगी तो मम्मा आगे बैठेंगी और सब पीछे बैठेंगे, पहले डी पे लाओ, हटो 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 ठोक दूंगा, हटो हटो हटो, यहाँ पर मॉम आप चूज करें फटाफट जल्दी जल्दी। तो मैंने टेरागोन स्टेक मंगाया, सबा का भी टेरागोन है, मम्मा का भी टेरागोन है और इसका है चिकन टेरागोन, फटाफट से खाते हैं भाई खाना अपने को थोड़ी। फिर खाना खा रहे हैं यार, इसी के साथ साथ फाइनली खा लिया है, बस ये सब्जियां इतनी सारी दी हुई थी, थोड़ी सी खा ली थोड़ी सी बच गई, मॉम ने सारी सब्जियां खा ली भाई, मॉम बेस्ट हो गया। अब जाएंगे भाई घर, बोलो पता नहीं आए नहीं रे, जल्दी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, सो फर्स्ट हमारा ये बाहर का डिनर था सबा के साथ, लेकिन इसमें मम्मा को भी लेके गया था, पापा को मैंने बोला था कि पापा आप भी चलो, लेकिन पापा बोले मैं नहीं जा रहा मैं थक कर आया हूँ, और फरिया भैया के साथ गई भी थी तो वो भी नहीं गए। सो यही है, जो जाता है जो बोलता है चलो लेकर तो उसको लेकर चले जाते हैं। बैठो बैठो बैठो, अबे कहाँ भागे, पकड़ो 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 पकड़ो। सो आ गए भाई ये लोग भी, महाराजा भी आए हैं, वाओ बड़े जल्दी आ गए महाराजा, आप सो रहे हैं, तंग नहीं कर रहे हो, सो रहे हैं, ओए ओए भाई सो रहा है, खतरनाक सो रहा है ये, सुनो दोस्तों सो जाओ, कहाँ गए थे तुम लोग,
हम लोग बाहर खाना गए थे, तुम गए बाहर, आज हम भी चले गए। पहले मैं तो काम से करता, हम भी काम से गए थे। ये बेचारा बहुत गमगीन हो गया भाई, उसे तुम घर पे थे, तुमसे पूछा था खाने चले गए, तुमने बोला मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम चले गए। मैं सोचा तुम बाहर से खाना खा रहा, जब भी नहीं पूछा। कौन सी बच्ची? पापा भाभी और फरिया खाएंगे खाना। 10:15 रह गए, फरिया बोलती है वहाँ नहीं जाओ, अब मैं थोड़ा सा बैठ जाओ। जैसे 10 बजेंगे, 10 बजे हम ब्लॉग एंड करके वहाँ चले आएंगे, ठीक है भाई? तेरे पास 10 बजे का था थोड़ा, 10:30 बजे यार, प्यार करता है तेरा तो बोलता है थोड़ा रुक जाए करो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाया करो, तो इसलिए थोड़ा रुक के जाएंगे। बस 11:45 हो चुके फरिया, ओके बाय बाय। अबे नहीं जा रहा, अबे अभी इनका चैलेंज बनाना है इनकी वीडियो का, इसलिए भी रुक गया मैं। मैंने बोला कि चलो रुक जाओ यार, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ। पता नहीं कौन चैलेंज कर रहे हैं, क्या चैलेंज हो रहा है भाई तुम्हारा? ये खौफ हो रहा है? अच्छा मैंने देख लिया, ये गाड़ी में मजे से आए बैठ गए। हां पर्ची देखी, उस पे देखा एक बर्गर का ऑर्डर, ओए मतलब आधा था खाते हुए बता दिया। वाह भाई वाह, दो बंदे चैलेंज कर रहे हैं और एक बर्गर ले लिया। वाह बहुत काबिल है, वाह वाह वाह। आज बन चुके इनके कैमरामैन। अबे बनना तो पड़ेगा ना यार, हां यार भाई ये उसने बहुत कैमरा पकड़े। ओ भाई जज देख लो, जज ये है भाई, प्लीज टाइम नहीं रुको, बाकी जितने भी है वो आप इनके चैनल पे देखेंगे, यहाँ से बाय। गाइस तो ये था इनकी शादी कैसे हुई और कितने साल बाद हुई, 5 साल बाद हुई थी, और मेनली यही टॉपिक देखने के लिए मैंने क्लिक करा था, मतलब देखा था ये वीडियो, और छोटा सा पार्ट था इस हिस्से का कि इन्होंने अपनी शादी के बारे में बताया, रिलेशन के बारे में बताया, लेकिन ओवरऑल पूरा जो ब्लॉग था वो मज़ेदार था, फैमिली और उससे भरा हुआ। बहुत कुछ नहीं बताया डिटेल में, वो मैसेज क्या था वो जानने की वो थी कि उन्होंने सवा ने मैसेज क्या किया था उनको, वो जानना था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन इतना पता चल गया कि उन्होंने मैसेज मतलब अपनी तरफ से उन्होंने पैगाम भिजवाया था सबा ने माज के लिए, क्योंकि वो टिकटॉकर थे, वो कुछ भी नहीं थी, तो उनको पसंद आई किसी तरीके से, आई डोंट नो कुछ 5 साल पहले टिकटॉकर थे या नहीं ये भी नहीं पता। तो जो भी था इनके रिलेशन का बहुत सही था, सबसे मेन पार्ट है लॉयल्टी, और ये होनी भी चाहिए रिलेशंस में, तभी टिक पाते हैं रिश्ते अगर आपको आगे ले जाने हैं, नहीं तो कुछ भी करो रिश्तों में टूट ही जाते हैं वो। ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था, मज़ेदार ब्लॉग था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करके शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।